आज हर कोई देश 5 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लगा हुआ है और भारत 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 पर ही काम कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि इंडिया 6 जनरेशन के फाइटर जेट को क्यों नहीं बना रहा, साथ ही अगर बना रहा है तो उसका क्या स्टेटस है। तो इस वीडियो में सभी आंसर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि भारत में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को किन कारणों के चलते बनाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को ही बनाया जा रहा है, बल्कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट 5- जनरेशन और एम का जो कि 5 जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम चल रहा है। TDPF और एम का इन दोनों ही फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को 2025 से 2028 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि इंडिया 6 जनरेशन की जगह 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को क्यों बना रहा है। इसके कई कारण हैं, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं, जो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है इंडियन गवर्नमेंट। जो पीछे की गवर्नमेंट थी वो किसी भी फाइटर जेट को देश में बनाने से ज़्यादा किसी भी दूसरे देश से फाइटर जेट को इम्पोर्ट करना बेस्ट समझती थी। आप पीछे के सभी वेपन को देख सकते हैं, चाहे फिर वो मिक्स सीरीज के एयरक्राफ्ट हो, MI सीरीज के हेलीकॉप्टर हो या फिर रशियन टैंक हो, देश के टोटल वेपन में से 93% इम्पोर्ट किए जाते थे। चाहे फिर वो फ्रांस इम्पोर्ट किए जाए, रसिया से, अमेरिका से या फिर इसराइल से। ये डाटा 2010 के आसपास का है, जिसके चलते देश में एक एरोस्पेस का इकोसिस्टम नहीं बन पाया, जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद आता है करप्शन। देश में जो भी बड़ी डिफेंस डील होती है उस हर डील में गवर्नमेंट पर करप्शन का आरोप लगता है, और कुछ करप्ट लोग भी हैं जो फॉरेन कंट्री के साथ डील करते हैं कि अगर हम आपको इन वेपन का ऑर्डर देते हैं तो आप इसके बदले में हमें कमीशन दें। तो जिसके चलते ज़्यादातर फोन वेपन को ही इंपोर्ट किया जाता था। आज चाहे फिर वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा देश में बने वेपन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तीनों का ही पहला ऑप्शन इंडिजीनियस वेपन है, फिर किसी फोन वेपन की तरफ देखा जाता है, और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ अच्छा खासा ध्यान दे रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने 200 से भी ज़्यादा मिलिट्री वेपन को देश की नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया है, जिसके चलते देश में बने वेपन को ही खरीदा जाएगा। तो हमने जो पहला एयरक्राफ्ट बनाया था वो है तेजस, जो कि एक लाइटवेट एयरक्राफ्ट है। अब ये टेक्नोलॉजी हमने तेजस MK1 के लिए डेवलप की है। लगभग हर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। स्टेल्थी टेक्नोलॉजी, इंटरनल बे जैसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, तो जो टाइम लगना था वो लग चुका है। अब इन्हीं टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हेंस करना है, इन्हें एडवांस करना है और इम्प्रूव करके इनके बेस पर ही नई टेक्नोलॉजी बनानी है। तो अब HAL जैसे मैन्युफैक्चर जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक नए एयरक्राफ्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोग्राम के बारे में। तो फिलहाल देश में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। MCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम किया जा रहा है। हमें तेजस MK1 ने की टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करके तेजस MK2 बनाया है, वैसे ही MCA का एक नया वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो होगा MCA MK2, कई रिपोर्टों में ऐसा कहा गया है। तो ऐसे में MCA MK2 एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। टाइम लगेगा वो MCA बनाने में ही लगेगा। MCA MK2 को बनाने में 5 से 7 साल का टाइम लगेगा। जैसा हमने तेजस को बनाने में 20 साल का टाइम लगा, वहीं पर तेजस MK2 को लगभग 5 से 7 सालों के बीच में बना लिया गया। तो MCA 2040 से 2045 के बीच रेडी हो जाएगा। बात करें चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट की यानी J-28 की, तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2040 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा, और जो MCA MK2 है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2040 से 45 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे हम दूसरे देश के साथ ही होंगे। साथ ही एक टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि 5 और 6 जनरेशन के फाइटर जेट आने पर 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 की क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी। तेजस MK2 जो हमारे एयरफोर्स की फ्लीट में एज ए रिप्लेसमेंट इंडक्ट किया जाएगा,
तो जो मेन फाइटर जेट होगा वो होगा एम का। तेजस एम के टू हमारी क्वांटिटी के लिए बनाया जा रहा है, और जो एम का है वो होगा हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट। तो ऐसे में एयरफोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और 45 स्क्वाड्रन के गोल को अचीव भी कर लिया जाएगा। तो तेजस एम के टू भी इंडियन एयरफोर्स के लिए एम का जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।